गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था उपसर्ग। आप सभी जानते हैं कि वे सारे शब्द या ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश से जो किसी शब्द से पूर्व है या पहले किसी शब्द से पहले या पूर्व में जुड़ करके उस शब्दांश के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं या एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों को ही किस नाम से जाना जाता है? उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। हमने संस्कृत के मूल रूप से जो 22 उपसर्ग होते हैं उनका अध्ययन पिछली क्लास में किया था। आज है संस्कृत के संस्कृत के अन्य उपसर्ग, संस्कृत के जो अन्य उपसर्ग है उनका हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत में कुछ शब्दांश संस्कृत में कुछ शब्दांश संस्कृत में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मुख्यतः उपसर्ग तो नहीं होते परंतु उपसर्ग की तरह ही कार्य करते हैं। संस्कृत में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मुख्यतः उपसर्ग तो नहीं होते परंतु उपसर्ग की तरह ही काम में आते हैं या कार्य करते हैं। वे इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। वे शब्द इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं जैसे पहला है आपके सत्य, सत प्लस कार। ये जो शब्द है वो किससे बना है? सत्य प्लस कार। सत्य इसमें उपसर्ग है और कार शब्द के योग से एक नया शब्द बना है, सत्कार। अगला है सत्य संग। सत प्लस संग किसे बना ये शब्द? सत प्लस संग का जब योग होता है या संग शब्द में जब सत्य उपसर्ग लगता है तो उसके जुड़ने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है, सत्य संग। अगला है सद्भावना, सदाचार। सत प्लस आचार
सदुपयोग, सद सत प्लस उपयोग सदुपदेश, सदुपदेश सज्जन, सचरित्र सन्मार्ग, सच्चिदानंद। ये कुछ शब्द हैं जिन शब्दों में सत उपसर्ग लगा है और इसके कारण से नए शब्दों का निर्माण हुआ है। अगला है नंबर दो, वो है आपके तद उपसर्ग। इससे तद्भव, तत्सम, तत्काल, तदुपरांत, तदाकार, तल्लीन, तन्मे, और तद तर। अगला है नंबर तीन, ए उपसर्ग, अनेक, अनादि, अनंत, अनसन, अनुपजाऊ, और अनी स्वर। अनुपजाऊ और अनी स्वर, ये कुछ शब्द हैं जो ए उपसर्ग के योग से बने हैं। अगला है आपके नंबर चार, अध, इससे अधोगति, अधो गामी, अधो लिखित, अधो हस्ताक्षर। ये कुछ शब्द हैं जो अध उपसर्ग के लगने से बने हैं। अगला है स्व, स्वार्थ, स्वाध्याय, स्वावलंबन, स्वाधीन इत्यादि। ये शब्द है स्व उपसर्ग से निर्मित है। अगला है पर उपसर्ग, इससे परा श्रीत, परार्थ, परहित, परलोक, परदेश और परोपकार।
अगला है सह। सह से कौन कौन से शब्द बनेंगे? सहयोग, सह, चर, सहमति, सहकर्मी, सहपाठी और सहोदर। आठवां है सह उपसर्ग। सह से सह शर्त, सह परिवार, सह काम और सह कुशल, सह कुशल। सह से सह शर्त, सह परिवार, सह काम और सह कुशल। नौवां है न उपसर्ग। इसे नगण्य, नकुल, नपुसंक, नपुसंक और नास्तिक, ये नए शब्द इससे निर्मित होंगे। अगला है कु, कुपुत्र, कुमार्ग, कुमति और कुसंगति, ये इससे निर्मित शब्द है कु उपसर्ग से। अगला है प्रातर। प्रातः प्लस काल, प्रातःकाल, प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय। अगला है पुरुष, पुरस्कार और पुरुष कर। अगला है तिरस, तिरस्कार तिरस्कृत और तिरो भाव, तिरस्कार, तिरस्कृत और तिरो भाव। अगला है प्रादुर, प्रादुर भाव और प्रादु, प्रादुर्भूत। सोलवां है
आविर, आविष्कार, आर, आविष्य, कृत, आयुष्य, कृत। सत्रवा है आविर, इससे आविर्भाव आवि भूत। अठारवा है पुनर, पुनर जन्म, पुनर गणना, पुनर्व लोकन। ये कुछ है जो शब्द है वो संस्कृत के अन्य उपसर्गों की श्रेणी में रखे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।